और ठाकुर जी में, बिहारी जी में और राधा रानी में एक ही फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले भगवान के पास जाओगे, भगवान कृष्ण के पास जाओगे तो भगवान कृष्ण से कुछ मांगोगे तो आपकी मनोकामना कृष्ण पूरी कर देंगे। आप कहोगे तो अच्छी बात है। बोले नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। आज ये मनोकामना पूरी की, कल फिर से कोई ना कोई बढ़ेगी इच्छा, कल फिर वो मांगोगे उसको पूरी कर देंगे, फिर परसों फिर कोई तीसरी इच्छा होगी। कृष्ण के पास जाओगे तो कृष्ण इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन राधा रानी के पास जाओगे तो राधा रानी इच्छा पूरी नहीं करेंगी। तो क्या करेंगी? ले राधा रानी इच्छाओं का ही नाश कर देती है, इसलिए उनकी कृपा महान है कृष्ण कृपा से। वो इच्छाओं का ही नाश कर देती है, इसलिए उनका नाम है राधा रानी का क्या नाम है? राधा रानी का नाम है बरसाने वाली। बरसाने वाली नाम क्यों है? क्यों है? अब कहोगे बरसाने की है, बरसाने की है इसलिए बरसाने वाली। लेकिन अब ये तो बात कोई होती नहीं। अब बांके बिहारी है तो बिहारी का मतलब ये थोड़ी है कि वो बिहार के हैं। यार कहते हैं बिहार वाले लोग कि बिहारी जी हमारे ही है, भले रहते वृंदावन में लेकिन है हमारे। क्योंकि बंगाल वाले को बंगाली बोला जाता है, महाराष्ट्र वाले को मराठी बोला जाता है, तो बिहार वाले को बिहारी बोला जाएगा, तो वो ना बिहारी जी हमारे। वो भाव है। बाकी बरसाने की है राधा रानी, इसलिए नाम बरसाने वाली नहीं है। तो क्यों है? बोले इसलिए नाम उनका बरसाने वाली है कि ठाकुर जी कृपा बूंद बूंद देते हैं, लेकिन राधा रानी जब कृपा करती तो देती नहीं, वो सीधा बरसाती है, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है।